हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। तो आप लोग कैसे हैं? जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो आज हम करने वाले हैं, ये हमारे पास एक डम्मी है जिसके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, उसमें कॉम भी नहीं कर पा रहे। मुश्किल यही है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो काफ़ी लोग जो कोर्सेज करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या किया था, मेरे स्टूडेंट ने चोटी बना के रख दी थी इसमें, तो उसकी वजह से काफ़ी दिन तक ये पड़ी रही, तो वो जो बाल थे वो फ्रिजी हो गए एकदम वहीं से, तो उसमें कॉम भी नहीं हो रहा है एकदम एंड से यहाँ पे। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ अ डिफरेंट वे कि कैसे ठीक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, हम लेके आए हैं शैम्पू चेयर पे। इस डमी को हम सबसे पहले इनके जो बाल हैं सारे डमी के वो कर लेंगे वेट। जितने ये बाल वेट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ये ध्यान रखना आपने वेट करते हुए। इसके बाद मैं कुछ प्रोडक्ट लगाने वाला हूँ, वो आपको दिखाऊंगा। मैं इसमें शैम्पू नहीं करने वाला, क्योंकि शैम्पू करूँगा तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे और ज़्यादा फ्रिजी हो जाएंगे, मुझे फ्रिजी नहीं करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पहले सारे बाल अच्छे से वेट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक प्रोडक्ट जिसका नाम है एंजो ट्रीटमेंट। ये लगाने वाले हैं हम डमी में, इसको बाउल में लेंगे और फिर उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। जस्ट देखिएगा, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा हमें मास्क लेना है, उसी तरीके से बालों में लगा देना है। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो नए हैं उनको नहीं पता है, तो मैं एक्चुअली अपने दूसरे स्टूडेंट को बोलूँगा कि ये करने के लिए, क्योंकि नया स्टूडेंट क्या है वो उसी तरीके से करता है जैसे उसको आता है ना, तो जो हम पुराने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है उस तरीके से वो लोग करेंगे तो समझ में आएगा, ये राइट वे नहीं है। अब देखिएगा बिगिनर में और एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क होता है। ये फ्रेशर है जो कर रहा है अभी, और जो दूसरा वाला करेगा वो ऑलरेडी काम कर चुका है। तो पहली बात, सबसे पहली बात कि जितना भी मास्क हमने लिया है एंजो का वो अच्छे से बालों में लगाना है ध्यान से। तो मास्क लेना है हमें, अच्छे से लगाना स्टार्ट करना है सारे बालों में स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से मल देना है बालों के अंदर, मास्क को लगा देना है, मल्सीफाई कर देना है, और इसको हम रखने वाले हैं मिनिमम 15 मिनट। 15 मिनट से आधा घंटा भी रख सकते हो, जितनी ज़्यादा देर ये बालों में रहेगा बाल उतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और जिन लोगों को भी मेरे से चैट करना है वो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए और फॉलो करें, ताकि हम बात, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपना सलोन व्यू दिखा रहा हूँ। ओके, तो जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद का आपको फाइनल लुक दिखा दूंगा मैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो को। हम अच्छे से सारे बालों में लगा रहे हैं मास्क, एप्लीकेशन कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, मास्क अच्छे से लगा लेना है बालों में, मास्क को अच्छे से लगा लेना है बालों में। तो जैसे ही ये मास्क लग जाएगा उसके बाद हम इसको रिंस करेंगे, हम 15 मिनट से ज़्यादा रखने वाले हैं, तो 15 मिनट तक इसको रख लीजिएगा बालों में लगा के, जितना भी मास्क है वो लगा दें अच्छे से। अभी हमने अपने फ्रेशर स्टूडेंट को बोला है कि इसी तरीके से लगाना है आपको, तो आप प्रैक्टिस करिए, तो ये ज़रूरी है आप अपने स्टूडेंट्स को समझाते रहें कि किस तरीके से लगाना है मास्क, नहीं तो क्या होता है वो अपने तरीके से करने जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, बाल उल्टा ख़राब हो जाएंगे। मैंने वॉश कर लिया, रिंस कर लिया उसके बाद, अब देखिएगा जितने भी बाल थे एक्स्ट्रा वो मैं कॉम कर रहा हूँ पेडल ब्रश से, तो बिल्कुल भी टेंगल्स नहीं आ रहे हैं।
तो ये आप लोग भी घर पे कर सकते हो अपनी डमी के ऊपर जिस पे आप प्रैक्टिस करते हो, अगर बाल उनके फ्रिजी हो गए हैं और उस पे मास्क लगाइए और छोड़ दीजिए आधे एक घंटे के लिए, और उसके बाद रिंस करिए और आपको समझ में आएगा कि ये बाल कितने सॉफ्ट हो गए और अच्छे से आप हेयर कट कर सकते हैं इस पे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।